अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मकान चाय के चैनल पे खुश आमदीद। आज आपके लिए लाए हैं हम 240 का ब्रांड न्यू बेंगलो। और ये देखें, आप रोड देखें, रोड साइज देखें कितना बड़ा रोड साइज है इसका, 40 फीट रोड से भी बड़ा है। और पेपर वाली रोड्स हैं। सोसाइटी जो है बहुत ज़बरदस्त सोसाइटी है, और अगर सोसाइटी का नाम लें तो पीलीभीत कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, और बहुत ही नियरेस्ट है सुपर हाईवे से। बुराक पेट्रोल पम्प बहुत मशहूर है PSO का, उसके सामने वाला कट है ये। और आए चलते हैं बेंगलोर के अंदर और देखते हैं क्या प्लानिंग है इसकी। जैसे ही हम बेंगलोर के अंदर एंटर होते हैं तो पार्किंग एरिया है। पार्किंग एरिया में दो डोर आ जाते हैं, जो कि एक ड्राइंग रूम का है, एक लॉन्च का है। फोर सिंग वर्क है, ऊपर सेपरेट रास्ता है, सेपरेट गेट भी है। अगर किराया पे देना चाहें तो किराया पे दे सकते हैं आप। और एक छोटा सा जो है वो वॉशरूम दिया है, उसको भी हम चेक कर लेते हैं। ये वॉशरूम आ गया। अब हम चलते हैं बेंगलोर के अंदर की प्लानिंग चेक करते हैं, क्या कितने बेडरूम हैं और क्या डिज़ाइन है। और आप देख सकते हैं ये एंट्रेंस है इसकी मेन घर की। और ये हम अंदर आते ही हमें जो है वो आपको लॉन्च मिल जाएगा। पहले विंडोज़ हैं, वेंटिलेशन है हवा की, ईस्ट ओपन घर है, और घर जो है वो ट्रांसफर है। टीवी वॉल देखें कितना खूबसूरत डिज़ाइन किया है। यहीं पे आपको जो है हैंड वॉश का भी मिल जाएगी जगह, किचन आपका मिल जाएगा आपको। जैसे ही आप गेट के घर के अंदर एंटर होते हैं, आपके जो है उल्टे हाथ पे किचन मिल जाएगा आपको। और फोर सिंक वर्क देखें कितना डिसेंट और कितना खूबसूरत सा फोर सिंक वर्क है। और बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन किया है मकान। किचन आ गया, ये किचन जो है थोड़ा लंबाई में है, और इसके अंदर भी आपको फोर्सिंग वर्क मिल जाएगा। और दो कलर में जो है किचन डिज़ाइन किया है। मार्बल टॉप जो है वो ब्लैक कलर की है। अब हम दिखाते हैं आपको कि इसके अंदर जो है वेंटिलेशन की जगह भी है। डोर खोलते हैं तो आपको जो है वो बहुत फ़ायदा होगा। और दूसरी बात ये कि एक रूम का जो विंडो है वो भी इसी में ही खुलती है, वॉशरूम की विंडो भी इसी में ही है। तो छोटी सी जगह है वेंटिलेशन की। अब हम चलते हैं ड्राइंग रूम के अंदर। ये ड्राइंग रूम का रास्ता हो गया। ड्राइंग रूम में जो है दो डोर हैं, एक जो है वो पार्किंग एरिया से है, एक लॉन से है। ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत फ्लोर पे जो है छोटा सा सेंटर में जो है मोटिव दे दिया है। कॉर्नर में फोर सिंग का डिज़ाइन दे दिया है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, सिंपल डिज़ाइन है। और आप लाइटिंग देखें कितनी खूबसूरत लाइट इस्तेमाल की है। अब हम चलते हैं छोटे बेडरूम के अंदर, जो कि थर्ड बेडरूम होता ही है, उसको आप स्टडी रूम भी कहते हैं। या ये कि ये स्टडी रूम नहीं है, 200 गज में बहुत छोटा निकलता है, बट 240 में जो है रूम का साइज आपको अच्छा मिल जाता है। आपका बेडरूम सेट इसके अंदर आराम से आ जाएगा। और आप फोर्सिंग वर्क देखें, सिंपल सी फोर्सिंग वर्क है। तो ये वही विंडो है जो कि किचन के जो हम वेंटिलेशन देखी थी उसी की विंडो है। ये वॉशरूम आ गया। जो घर का साइज होता है, डायमेंशन मैं आपको बता दूंगी, घर की जो डायमेंशन होती है प्लॉट की इसके अंदर वो 36x60 होती है। तो समझ लें आप कि 36 के जो है आप आधा करें तो आपको जो है वो 18 का जो है आपको एक चौड़ाई मिल जाएगी इसके अंदर, मकान रूम के अंदर जो मास्टर रूम है। अब कोई 18x17 रखता है, कोई 18x15 साइज रखता है, कोई 13 रखता है, और मुख्तलिफ साइज है। बड़ी की चौड़ाई जो है इसकी आपकी जो है 18 फिट है। और फोर सिंग वर्क देखिए, सिंपल सा बेडरूम के अंदर है। अटैच वॉशरूम के साथ है, चेंजिंग रूम भी छोटा सा इन्होंने दिया हुआ है, उसी में इन्होंने जो है अलमारी दे दी है ऊपर टॉप तक की है। इसमें आपका वॉशरूम आ गया। ये
वॉशरूम भी जो है सिंपल सा है, कोई ऐसा कोई फैंसी डिजाइन नहीं है, सैनिटी अच्छी है भाई लगी हुई है इसके अंदर। वॉशरूम की छत पे भी वॉशिंग का वर्क है। 240 इसका है, ब्रांड न्यू डबल स्टोरी मकान है। अगर इसको आपको ऊपर वाला जो पोर्शन है टू सेम कॉपी है, हम जैसे नीचे आपको देख रहे हैं वैसे ही आपको टू कॉपी जो है वो आपको फर्स्ट फ्लोर पे मिलेगा इसके अंदर। और ये भी देखें आप साइज़ देखें रूम का कितना बड़ा साइज़ है, 240 इसमें जो है आपको बेडरूम जो है बहुत अच्छे साइज़ में मिल जाते हैं। और सोसाइटी भी बहुत आउट क्लास है, हाईवे से बहुत नज़दीक है। मैंने जैसे आपको बताया कि मकान जो है वो ट्रांसफ़र है और इसकी जो डिमांड पर अगर आप जाते हैं तो उसकी जो डिमांड है आप इसमें देखें चेंजिंग रूम आ गया, इसमें भी आपको वाइट कलर की जो है उन्हें अलमारी दे दी है, बहुत ही खूबसूरत और डिसेंट लग रही है। वॉशरूम देखें इसके अंदर आप, ये मास्टर बेडरूम है उससे थोड़ा सा बड़ा ही है बेडरूम। ये अब आ गए हम आपको वो जो रह गया था अपना वॉशिंग एरिया, आपको वॉशिंग एरिया भी दिखा देते हैं क्या वॉशिंग एरिया इसका कौन सा वॉशिंग। ये इसका आ गया वॉशिंग एरिया, चलते हैं हम टेरेस की तरफ। इसकी जो डिमांड थी वो डिमांड रह गई थी आपको बताना कि, तो इसकी जो डिमांड है वो 4,85,00,000 रुपये की डिमांड है इसकी। आपको जो है वो टेरेस दिखा देंगे और छत दिखा देंगे, बाकी फ्लोर जो है आपको सेम कॉपी मिलेगी। छत ये देखने से पता चल जाता है कि कितना कारपेट एरिया है इसका और टंकी टावर पर है या नहीं है। ये इसका टेरेस आ गया छोटा सा, बहुत ही खूबसूरत टेरेस है फोर्सिंग वर्क के साथ। इसके अंदर भी वही सीन है जैसे पार्किंग एरिया के अंदर है, दो डोर है, ड्राइंग रूम का अलग से है और लॉन्च का अलग से है। ये आप देख सकते हैं सामने जो है कम्युनिटी हॉल मिल जाएगा, टी फेसिंग का मकान है। रोड का साइज़ देखें आप, बहुत ज़बरदस्त साइज़ है रोड का। इस सोसाइटी के अंदर आपको पार्क, मस्जिद और तकरीबन की सोसाइटी कम्प्लीट हो चुकी है और स्कीम 33 की बहुत अच्छी सोसाइटी बनी है, कोई डुप्लीकेशन भी नहीं है इसके अंदर। अगर प्लॉट की परचेजिंग करना चाहें तो उसके लिए भी हमसे रब्ता कर सकते हैं आप। ये आ गया इसका रूफ, ये देखिए आपको कितनी बड़ी छत मिल जाती है। अगर कोई छोटा सा कोई इवेंट करना हो आपको तो आराम से इसके अंदर जो है छत पे आपका इवेंट हो सकता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ऐसे ही मकान चाहिए आपके लिए जो है ब्रांड न्यू मकान लेके आता रहेंगे, और आपको जो है दुबई के भी जो है मकान जो है इस चैनल के अंदर इंशाल्लाह मिलेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे चैनल को शेयर भी करिएगा। क्या पता किसी दोस्त यार को आपको मकान चाहिए हो तो उसमें से आपको मकान मिल जाए। खुदा हाफिज़।